सो गाइस आज है हमारे पास बोट की तरफ से आने वाले उनकी न्यूली लॉन्च ईयरबड्स बोट एयरड्रॉप्स अल्फा जो कि 30 जून को लॉन्च होंगे फ्लिपकार्ट और बोट की वेबसाइट पर। और इनका जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 1000 रुपए होने वाला है, बट बाद में प्राइस इंक्रीज होकर 1200 रुपए हो जाएगा। और गाइस ये हाफ इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स हैं जो कि 3 कलर्स वेरिएंट में आते हैं, डार्क सियान, स्टूडिश व्हाइट और जेट ब्लैक। तो गाइस आज हम इनका डिटेल में रिव्यू करेंगे एंड जानेंगे क्या ये 1000 रुपए के अंदर वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। तो कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पर आपको ऊपर एयरड्रॉप्स अल्फा की बैंडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर कुछ की आर सी मेंशन कर रखे हैं, लाइक 35 आवर्स तक का प्ले टाइम, 39 के ड्राइवर्स, 50 मिलीसेकंड का बीस्ट मोड एंड बैक में भी कुछ फीचर्स मेंशन कर रखे हैं। बाकी बॉक्स के अंदर ये रहे हमारे मेन ईयरबड्स जो कि कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं एंड साथ में टाइप सी चार्जिंग केबल और वायर की क्वालिटी भी अच्छी है एंड बहुत सारा पेपर वर्क भी है जिसमें से वारंटी कार्ड काफी इंपॉर्टेंट है एंड साथ में आई एम बोट हेड का भी स्टिकर दे रखा है। तो यही सब आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। गाइस बात करूं से बिल्ड एंड डिजाइन की तो लुक वाइज काफी अच्छे लगते हैं। केस के ऊपर आपको पूरी मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है, स्क्रैच या फिंगरप्रिंट जल्दी नहीं लगेंगे। और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। यहाँ पर आपको फ्रंट में बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड उसके ऊपर बैटरी इंडिकेटर लाइट और बॉटम में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। बाकी केस को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे और इनका मैग्नेट भी काफी स्ट्रांग है, ईयरबड्स गिरते नहीं है केस से। और इनकी हिंज की क्वालिटी भी अच्छी है एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है, पॉकेट वगैरह में आराम से कैरी कर सकते हो। और बात करूं ईयरबड्स की तो यही पूरे मैट फिनिशिंग में आते हैं, बस इनका ये वाला पार्ट ग्लॉसी फिनिश में है। और यहाँ पर आपको बाहर की तरफ बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड ऊपर एलईडी नोटिफिकेशन लाइट और प्रॉपर लेफ्ट राइट का सिंबल मेंशन है ईयरबड्स के ऊपर। बाकी इनकी फिटिंग भी अच्छी है, कहाँ से गिरते नहीं है, तो इन्हें आप रनिंग, जॉगिंग या वर्कआउट के लिए जरूर से इस्तेमाल कर सकते हो। एंड साथ में इनमें आपको IPX5 की वाटर रेटिंग मिलती है तो आपके स्वेट से और थोड़ा बहुत पानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और उसी के अलावा इसकी कनेक्टिविटी भी काफी फास्ट है, इनमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 मिलता है और इंस्टेंट बैकअप पेयरिंग का भी सपोर्ट है। तो एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब पेयर करोगे तो इंस्टेंट पर जाएंगे आपके डिवाइस से। साथ में म्यूजिक और कॉल्स को मैनेज करने के लिए टच कंट्रोल भी दे रखा है और इसका जो टच कंट्रोल है वो आपको इसके स्टैम्प पे देने को मिलता है। तो सिंगल टैप पे किसी भी ईयरबड से म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो और नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए राइट ईयरबड्स पे डबल टैप करना होगा एंड लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे डबल टैप करोगे तो प्रीवियस ट्रैक। बट इसमें आपको वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। बाकी कॉलिंग के लिए सिंगल टैप से कॉल पिक कर सकते हो एंड कॉल आंसर करने के बाद डबल टैप से कॉल कट भी कर सकते हो। और ट्रिपल टैप करोगे लेफ्ट वाले ईयरबड पे तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसी के अलावा गेम मोड एक्टिवेट करने के लिए 3 बार टैप करना पड़ेगा राइट वाले ईयरबड पे। तो गाइस जब बात करूं इसकी मेन ऑडियो क्वालिटी की तो इसमें आपको 39 के ड्राइवर्स मिलते हैं, तो इनमें आपको लाउडनेस काफी अच्छी मिलती है। और मैंने इन पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के म्यूजिक सुने एंड बहुत सारे मूवीज के ट्रेलर भी देखे, तो अभी तक के एक्सपीरियंस से मैं ये बोलूंगा कि वोकल्स में क्लैरिटी काफी अच्छी है, बट थोड़ी और बेटर क्वालिटी हो सकती थी। और साथ में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साउंड है वो काफी बढ़िया है एंड जो हाई मिड स्लो में जो फ्रीक्वेंसी साउंड सेपरेशन का वो भी आपको अच्छा सुनने को मिल जाता है। बाकी बात करूं बेस की तो बेस भी इसमें आपको अच्छा मिलता है, म्यूजिक पंची और पावरफुल बेस सुनने को मिल जाएगा। बट ये हाफ इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है, तो अगर आपको हाफ इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स अच्छे से फिट होते हैं तो ही आप अच्छा बेस एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ओवरऑल गाइस प्राइस के हिसाब से ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। तो गाइस जब बात करते हैं कॉलिंग की तो इसमें आपको डुअल माइक मिलते हैं विद ENC और मैंने इन पे बहुत सारे कॉल अटेंड किए इंडोर आउटडोर दोनों जगह और मेरा कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। इंडोर में तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, बट आउटडोर में जरा ही नॉइजी एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज से कैच करते हैं, लेकिन फिर भी 70-80% आपकी वॉच फोकस रहता है। और मैंने इसी कॉलिंग टेस्टिंग भी किया आउटडोर में, तो उसे आप सुन लीजिए। तो गाइज अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ये बोट एयरड्रॉप्स अल्फा के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मैं अभी आउटडोर में हूँ, मेरे साइड में बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा है, तो आप सुन सकते हैं कॉलिंग क्वालिटी कैसे होने वाली है आउटडोर के अंदर। तो गाइस अब बात करते हैं गेम परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 50 मिलीसेकंड का बीस्ट मोड मिलता है एंड मैंने इसे BGMI खेल के देखा और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। फुटस्टेप्स गन की साउंड प्रॉपर सुनाई दे रही थी और इनका स्टूडियो सेपरेशन भी अच्छा है, तो एनिमी राइट से आ रही है लेफ्ट से प्रॉपर सुनाई दे रहा था, तो इन्हें आप अच्छे गेम एक्सपीरियंस के लिए जरूर कंसिडर कर सकते हो। और मैंने इसे गेमिंग टेस्ट भी किया, तो उसे भी आप देख लीजिए। तो गाइस अब बात उसकी बैटरी की तो 35 आवर्स तक का बैटरी कब मिल जाएगा विद केस एंड विदाउट केस 4 से 5 घंटे तक का बैटरी कब दे देंगे और साथ में फास्ट चार्जिंग भी जो कि वो 10 मिनट के चार्ज पे 120 मिनट्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली बात करूं कंक्लूजन की, तो ये 30 जून को लॉन्च होंगे फ्लिपकार्ट और बोट की वेबसाइट पर एंड 1000 रुपए के हिसाब से इनका लुक एंड डिजाइन काफी अच्छा है, प्लस ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी सुनने को मिल जाती है प्राइस अकॉर्डिंग और क्वालिटी और गेम परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल जाता है। तो अगर आपको हाफ इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स चाहिए 1000 रुपए के अंदर, तो इन्हें आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस ये था इनका पूरा रिव्यू, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बट अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।